तो जी आज हमारे पास है दो रबिंग पॉलिश, जिसमें एक है 3M की, ये वाला मॉडल है आप जिसको देख सकते हैं, 3M परफेक्ट फिनिशिंग कंपाउंड, और सेकंड जो है ये वैक्सपोल एक्स कट है। तो इन दोनों को यूज़ करके देखते हैं इस गाड़ी पे, और देखते हैं दोनों में से बेटर कौन सी है और आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। अब हम 3M जो यहाँ रखी हुई है इसको यूज़ करेंगे इस वाले दरवाजे पे। ये देखिए, ये साइकिल पे बच्चों ने खरोंच मार दी थी साइकिल से, वो खरोंच लगी हुई है ये वाली और ये वाली, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं 3M वाली रबिंग कंपाउंड कह सकते हो। और यहाँ भी सेम उसी चीज़ की है, हल्के निशान हैं और पेंट नहीं निकला हुआ है, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं वैक्सपोल। पहले भी हमने सीबा के रबिंग कंपाउंड जो स्क्रैच रिमूवर आता है उसकी वीडियो बनाई थी, उसमें कई क्वेश्चन थे इस तरह के। पहली बात तो इसका कलर से कोई लेना देना नहीं होता किसी भी रबिंग कंपाउंड का, तो आप किसी भी कलर पर इसको यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, ये जो पेंट निकला होता है जहाँ से, मतलब अगर गाड़ी का पेंट ही निकल गया है क्रोम से, तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, वो भी आपको हिस्सा भी दिखा देंगे। और जैसे देखिए, ये जैसे पेंट निकल गया है नीचे से, ये जैसे पेंट निकल गया है यहाँ पे, ये काम नहीं करेगा। तो ये खाली ऐसे ही हल्के फुल्के स्क्रैचेस पे ही ये काम कर सकते हैं, जहाँ ये ऐसे वाली खरोंचे आ जाती हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा गहरी भी नहीं है, लेकिन ऊपर से ये निशान बन गया है इसमें। तो इस तरह के जो भी निशान है वो आप किसी स्क्रैच रिमूवर से हटा सकते हैं। आपको कंपेयर करके दिखाते हैं 3M के रबिंग कंपाउंड को और वैक्सपोल के रबिंग कंपाउंड को। सिंपली है, वैक्सपोल को हम लगाते हैं इन वाले स्क्रैच पे और 3M को लगाते हैं इन वाले स्क्रैच पे। तो चलिए यूज़ करके दिखाते हैं, एक रिजल्ट आपके सामने होगा कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी बेटर है और कौन सी आपको कैसे मिलेगी। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल ही जाएंगे। तो ये है जी 3M का, और ये कुछ ऐसा सा ये लिक्विड है, और हम इसको लगा लेते हैं ऐसे स्क्रैच के ऊपर। यूँ आपको पूरे स्क्रैच के ऊपर इसको अच्छे से लगा देना है। सेम प्रोसेस जो है वो दूसरे वाले पे भी, दो दो स्क्रैच के पे लगाएंगे 3M को और दो पे लगाएंगे वैक्सपोल को, और फिर आप इसको उंगली से ऐसे रब करना है आपको पूरे पे। तो एक बार इसको अच्छे से निपटा लेते हैं, और आप इसके अलावा इसमें फोम का यूज़ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें फोम का यूज़ कर सकते हो। तो जिस जगह पे भी ये स्क्रैच है ना, वहाँ आपको इसको अच्छे से रब करना है। जितना गहरा स्क्रैच है उतनी ज़ोर से, मतलब उतने टाइम तक करना पड़ेगा। एक बार से ना निकले तो दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे आपको करना पड़ेगा इसमें। और अगर बिल्कुल पेंट निकल गया है ऊपर से, तो फिर उसका कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर, अगर पेंट निकल ही गया है तो। तो इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है, जिसमें आप सूती कपड़े का यूज़ कर सकते हो, फोम का यूज़ कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। और जितना गहरा स्क्रैच है उतना ही इसमें ज़्यादा जोर लगेंगे, कहने का मतलब। आप देखिए, ये जो स्क्रैच था ये हल्का होता जा रहा है, और ये 3M वाली है। तो जी देखिए, एक निशान जो था वो यहाँ था, ये हल्का सा आप इसको नोटिस कर पा रहे होंगे, ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, हल्का सा रह गया। एक बार और यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिश लगाने की ज़रूरत है, या कंपाउंड लगाने की ज़रूरत है। और एक निशान जो था ये यहाँ से यहाँ तक का था, तो यहाँ तक का तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, हल्का सा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी, और ये हल्का सा मामूली सा यहाँ रह गया है। तो यहाँ एक से दो बार और इस पर लगाना पड़ेगा, और ये निशान भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन पेंट नहीं निकला होना चाहिए, ये जब ही काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं 3M रबिंग कंपाउंड का असर। तो अभी वो वाले स्क्रैच जो आप देख पा रहे हैं, ये और ये, इनके ऊपर लगाते हैं हम वैक्सपोल का एक्स कट, तो उससे पता चल जाएगा कि वो कैसा है। दोनों का कंपैरिजन भी आप कर पाओगे इसी वीडियो में। देखिए, ये थोड़ा अलग सा है, वो थोड़ा अलग सा था, तरीका वही है सेम, कोई भी हो पूरा ऐसे लगाना है उसके ऊपर, और ये ऐसे, और इनको भी ऐसे ही रब करना है। प्रोसेस वही सेम है इसमें भी जो उसमें थी, बस खाली ऐसे इसको रब करना है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हमने इस वाले हिस्से पे वैक्सपोल यूज़ किया है, और वैक्सपोल ने भी वो निशान हटा दिए हैं, और ये तो दो बार में ही बिल्कुल क्लीन हो गया। वैसे निशान भी ये इससे हल्का था, और यहाँ एक बार और इसको लगाने की ज़रूरत है। बस ध्यान रखने की ज़रूरत वही है, आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, सारे ही अच्छे हैं, कि जो पेंट जिस भी स्क्रैच के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ का पेंट ना निकला हो, क्योंकि अगर पेंट निकला होगा तो फिर वो या तो बहुत टाइम लगाएगा, जैसे यहाँ थोड़ा सा गहरा था, या तो फिर वो निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे स्क्रैचेस के लिए आप
इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ने ही वैसे अच्छा रिजल्ट दिया है यहाँ पे, तो वैक्सपोल ने भी, इसने भी, और इससे पहले भी हमने यूज़ किया सीबा वाला, तो उसने भी बहुत अच्छा ही किया था। तो अब लेकिन स्क्रैचेस का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसी स्क्रैच पे यूज़ करें जहाँ पे पेंट निकला ना हो। आप पहले एक बार नाखून से चेक कर सकते हैं कि कितना गहराई है वहाँ पे। अगर ज़्यादा गहराई हो गई है तो इसका मतलब पेंट निकला हुआ है, तो उसमें या तो बहुत टाइम लगेगा या तो वो ठीक से निकलेगा नहीं, या तो वो हल्का हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये हल्का हो गया लेकिन अभी बचा हुआ है, लेकिन थोड़ी मेहनत और करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे स्क्रैचेस के लिए आप वैक्सपोल 3M कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। परचेज लिंक अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और मेहनत हमारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कार एसेसरीज, कार रिव्यूज़ की सारी डिटेल्ड वीडियो देखते रहने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।